सामने किलिंग मोनास्ट्री। ये हम यहाँ इस बौद्ध विहार पे आ चुके हैं। हम अंदर गेट से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ फूल पत्तियों से इसको बहुत बढ़िया से बनाया गया है, गार्डन जैसा। और यहाँ पर भगवान बुद्ध खड़े हैं एक अंगुली ऊपर करके। इस मोनास्ट्री बाल बुद्धा, ये बाल बुद्धा की तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त यहाँ पर सफाई अंदर चल रही है, इसलिए भी अंदर हम लोग शायद जा नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर से ही कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदर अभी हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि फर्श की सफाई की गई है, लेकिन यहाँ पर हम भगवान बुद्ध की दिखा रहे हैं। कितने डिजाइन से इसको बनाया गया है, कितनी खूबसूरत से बनाया गया है। ये देखिए इसमें कितना समय लगा होगा इसको बनाने में, और हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे। ये हम लुम्बिनी की सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस देखिए ऐसे बौद्ध विहार बनाए गए हैं कि जो घूमते रहिए पूरा समय आपका चला जाएगा, लेकिन हम पूरा देख नहीं पाएंगे, कम से कम दो तीन दिन चार दिन लगेंगे। यहाँ पर हम मनाड समाज सेवा केंद्र में चल रहे हैं, गेट के अंदर से प्रवेश कर रहे हैं। ये हम आगे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर चल रहे हैं इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए। यहाँ पर इसको कैसे खूबसूरत बनाया गया है देखिए। यहाँ पर चांद जैसा बनाया गया है और गोल्डन कलर से इसको रंगा गया है। और यहाँ पर देखिए बाल बुद्धा की यहाँ पर प्रतिमा है, और जो दिखाया गया है कि कमल के फूल पे 7 कदम चल के गए थे, वो तस्वीर यहाँ पर ऐसा बनाया भी गया है। 7 कदम दिखाया गया है यहाँ पर भगवान बुद्ध की बाल बुद्ध जन्म के समय में, ऐसा बताया जा रहा है कि 7 कदम भगवान बुद्ध चले थे, वो इस जगह बनाया गया है। हमारे बीच में साथ में हैं बलसाड़ गुजरात के धम्म उपासक, पर हमारे साथ में बलसाड़ गुजरात के धम्म उपासक हैं। अभी इस मंदिर का दर्शन करेंगे और हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, हम इस बोर्ड को भी दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ये भगवान गौतम बुद्ध को जन्म स्थल लुम्बिनी को पवित्र धार्मिक गुम्बा क्षेत्र में यहाँ पर बनाया गया है। धम्म उपासक लोग चल रहे हैं, सीढ़ियों के माध्यम से दर्शन करेंगे। यहाँ पर बहुत मधुमक्खी छत्ता लगाया है एक बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत संभाल के जाना पड़ेगा। नहीं, मधुमक्खी को अगर छेड़ा नहीं जाएगा तो कुछ नहीं। गुलाब की तरह दोनों दो अलग अलग रंग के कमल यहाँ पर है, नीला है, गुलाब है, और अभी हम आपको सफ़ेद भी दिखाएंगे आगे। यहाँ पर इस समय देखिए, और ये हम थोड़ी दूर से यहाँ की खूबसूरत जगह दिखा रहे हैं, लुम्बिनी नेपाल की भगवान बुद्ध जन्म स्थली। ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप, ये देखो अभी नया बन रहा है। हाँ, इधर बाल बुद्धा का यहाँ पर बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। और ये जैसे दिल्ली में लोटस कैंपस बनाया गया, उसी मॉडल में इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, नमो साक मुनि बुद्धा। Thank you.
नील कमल बोलते हैं। ये वही नील कमल है, नील कमल जिसे कहा जाता है। अले 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 ये बौद्ध विहार बंद है, हम बाहर से कुछ दिखा रहे हैं आपको। ये यहाँ पर एंट्री नहीं है आपका, इसको अपने पैक कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बोलेंगे, किधर से हैं? नेपाल से। नेपाल से स्टूडेंट है? अच्छा, क्लास कौन सी? अच्छा, इधर घूमने आए हैं? हिंदी आती है थोड़ी बहुत? कुछ बोलो ना इधर भगवान बुद्ध के बारे में। कितना कितना ज्यादा खुश है? खुश है, पहली बार आए हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपके साथ में कितने बच्चे हैं? फ्रेंड हैं? सब फ्रेंड हो? कितने फ्रेंड है? ज्यादा है। अच्छा, नेपाल किधर से? अच्छा अच्छा, क्या नाम है? दीपिका। कौन सी क्लास में? सेवन। सेवन क्लास में। ये देखिए हमारे बीच में दीपिका है जो सेवन क्लास में पढ़ती है, नेपाल की रहने वाली है। दीपा नाम है। चलिए सीखा। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा, थैंक यू। चलते हैं, ठीक है, ओके।